एक बार फिर से पंचर हो गया, ये चौथी बार हुआ और मैं तंग आ गया हूँ चीज से। पूरी हवा निकली हुई है, मैं तंग आ गया हूँ। आज इसका मैं हल निकालूंगा, अब मुझे पंचर नहीं चाहिए। बस इसका मैं कुछ करता हूँ, एक्चुअली ट्यूब लाता हूँ, नया टायर लाता हूँ, कुछ तो करता हूँ। और अभी बस इसका हल निकालते हैं, बहुत हो गया। इस बाइक को खड़ी करके मैं दूसरी बाइक पर जा रहा हूँ और ट्यूब या टायर कुछ लेके आते हैं आज लाती हूँ। दूसरी बाइक पर बैठ गए हैं, बस अब लेकर आ रहा हूँ मैं ट्यूब, या फिर मैं देखता हूँ अगर नया टायर हुआ या ट्यूबलेस कोई मिलता है, सस्ता मिला कम पैसों में, तो शायद देखता हूँ। मैं बहुत तंग आ गया हूँ भाई, अभी घर से निकलने के लिए बैठे हो। स्केच बुक रख लेता हूँ मैं, सारा सामान रख लेता हूँ, जैसी बाइक पर बैठे हो पंचर हुई भी उसकी। मैं तंग आ गया भाई, पानी भरा हुआ है पूरा, मैं निकलने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। अच्छा हुआ भाई मैं दूसरी बाइक पर आया हूँ, और अच्छा हुआ ट्यूब लेने ही आया हूँ, बाइक लेके नहीं आया, वरना अभी हम यहाँ फंस जाते बुरी तरह। पूरा पानी भरा हुआ है। अरे 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 भाई, अब कहाँ से कौन क्या निकाल रहा है, सामने से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग आ रहे हैं। शुक्र है भाई, मैं थोड़ा दिमाग मेरा चला हुआ, मैं दूसरी बाइक पर ट्यूब लेने आ गया अभी, क्योंकि अभी जहाँ पे अभी मैं गया हूँ ना पंचर वाले के पास, अभी मैं पूछ के आया, वो कह रहे हैं मेरे पास ट्यूब नहीं है। और मैंने पहले दिमाग लगा लिया था कि पहले ट्यूब खरीदूंगा उसके बाद करूँगा, मगर अभी ख्वार हो जाते पूरी तरह। चलो अभी इनसे जाके ट्यूब लेते हैं, बच गया। शुक्र है भाई इस बाइक पर। एक बार लेके देख लेते ना, के सबको पता है मैंने बाइक कितनी बार पंचर हुई है, कितनी बार ट्विंकल आई है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सबको मेरी लाइफ का पता होता है कितनी बार मैं क्या कर रहा हूँ। अभी देना शुगर है 70 पे आई है, वरना बुरी तरह ख्वार हो जाता है अगर 70 पे ना आता। नहीं निकली जब भी टूब लिया गया, नंबर का देखा गया 317 नंबर है। मुझे भाई एक स्केच बनवाना था अपना, आपका आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज़। जल्दी से नाला क्रॉस करके निकल गया, मैं जा रहा हूँ, बाइक घर से उठाते हैं और सही पंचर वाले के पास चलते हैं, उससे बिल्कुल सही से बाइक चेक कराएंगे क्या मसला आ रहा है, उसके बाद लगवाते हैं। मैं बहुत तंग आ गया हूँ पंचर से भाई, मैं बहुत तंग आ गया। बड़ा मज़ा आता है, किसी को मसला नहीं बताना पड़ता, उनको सब पता होता है कि इनके साथ क्या क्या हुआ। अभी ट्यूब का मैं बता रहा था ना कि पंचर बार बार हो रही है, तो उनको पता था कि नई ट्यूब भी डाली है, वो कितनी बार पंचर हो चुका है। तो उन्होंने थोड़ा समझा दिया कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह दोबारा नहीं होगा, अब देखते लगा के नई ट्यूब डालते देखते हैं। बस ट्यूब ले गया ना, अब वाली बाइक किसका के लेके चलता है। मैंने गलती करी, मैं वाच को वहाँ छोड़ देता ना तो फिर मैं अकेला ले आता। खैर अब जाते हैं। मैं तंग आ गया यार इस चीज़ से बहुत। अभी बैठ के देखूँ, बैठू ना, ये सब किसने लगाए? मैं बस चला के लेके जा रहा हूँ, अब टायर फटे है, ट्यूब तो फटी गई है, चेंज कर ही रहा है, तो बस हम दोनों बैठ रहे हैं चला के, हम दोनों बैठ रहे हैं, बस चला के लेके जा रहे हैं, चला के लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आगे जो आगे होके गटर का काम हो रहा है, पानी भरा हुआ है, खिसका के लेके नहीं जा सकते, इसका आने में हम लोग पूरा गटर गटर हो जाएंगे। बस स्लो स्लो चलते हैं, ट्यूब वैसे भी चेंज करा ही रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। जल्दी से आज जाके करवा के ना, आज चीज़ पर जान छुड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर नई ट्यूब फिर से पंचर होती है तो उसके बाद फिर मैं टायर चेंज करवाऊँगा या फिर ट्यूबलेस ले लूँगा, क्योंकि भाई ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, सही चीज़ नहीं है। अब देखो, ये तो शुक्र है हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, घर के आसपास ही रहते हैं। अब सोचो अगर हम कहीं दूर हैं और ऐसा पंचर हो जाए, कितनी खारी हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो गई हवा, रिम पे चल रही है, समझ लो रिम पे हम दोनों बैठे हैं और चला के लेके जा रहा हूँ मैं। और कोई तरीका नहीं है भाई, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है रोज़ाना किस आने की। और अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, सर्दी का मौसम है, मगर सुबह को बहुत गर्मी है, मेरा तो हिम्मत नहीं है कि मैं इसको उतना खिसकाऊँ। गटर वटर सारे खुले हैं, अभी काम हो रहे हैं, गटर में जो पानी भरा हुआ है ना, वो गटर का काम हो रहे हैं सारे ना, तो जब पानी भरा हुआ है अभी सारा सेट हो जाएगा। वो हवा पूरी निकल गई, हवा बस निकल रहा था, कह रहे हैं करीब वाले में जा रहा हूँ, इधर से भी पैदल नहीं जा सकते ना, इधर भी पानी भरा हुआ है, पूरा पानी पानी हो गया। पूरा पानी है भाई, तो कह रहे पहले ही ट्यूब ले आए थे, वरना तो अभी
मुझे लग रहा है रिम ना टूट जाए कहीं। अरे लहरा रहा है तो कह रहे, मगर अपना इसी पे जाना है, अभी कुछ नहीं कर सकते। बस आ गए यहाँ पे, आज मसला हल करके रखा, बहुत ज़्यादा होता है आज के बाद ही, मसला नहीं होना चाहिए बस। मतलब बिल्कुल हाँ, अब ये मसला हुआ ना तो नया टायर आ जाएगा, नहीं लगा दो बस यार ये देख लेना। मुझे लग रहा है रिम में जंग लगा हुआ है, उसकी वजह से वो काट रहा है, कुछ कील नहीं लगी क्योंकि हम कहीं गए नहीं। घर में खड़े खड़े पंचर हो रहे हैं, बताओ यार। भाई भाई कुछ बोलना चाहते हैं, इनकी बात भी सुन लें। भाई बोल क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये मैं टायर पंचर वाला हूँ, इनके भाई के ट्यूब चेंज कर रहा हूँ, तो ये क्लिप बनाने का मैंने इनको बोला है। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ। अच्छा माशाल्लाह। ट्रैक के ड्रामे खा के खुद शूट करते हैं, एतवार के एतवार हमारा कुछ शूट होता है। तो आप दिखाओ ना मुझे कुछ, चेक कराओ। मैं दिखाता हूँ आपको अपना, कोई वीडियो वगैरह है? हाँ एक ड्रामा है मेरा, है? 8 मिनट का। सराई की ड्रामा है? हाँ सराई की 8 मिनट का नाटक बना हुआ है। अच्छा बस दिखाया मुझे। अरे यार आर्टिस्ट हैं भाई, पंचर वाले भाई आर्टिस्ट हैं। मैं मुझे आज दिखा, आज देखते हैं इनका। मुझे हर जगह आर्टिस्ट को हर जगह आर्टिस्ट मिलता है भाई, हर कोई आर्टिस्ट है यार। ये पंचर लगाना भी आर्ट है यार, कोई है ना, कोई छोटा काम तो नहीं है। हम लगा सकते हैं क्या? हाँ ये क्या, इसका तो धमाका ही हो गया। ये अब चला के लाए ना, डबल करके लाए डबल। अब मैंने बोला चेंज तो करनी है, बैठ जाते हैं दोनों ही, क्या करें। बहुत छोटे छोटे और काफी कम लगे हुए। हाँ मगर सही है, अब क्या करें। चलो बस नहीं लगा दो, मैं रिम देख लेना, मुझे लग रहा है रिम में जंग है। मैं चेक कर लेता हूँ, टायर भी रिम भी दोनों चेक कर लेता हूँ जहाँ पे। बाकी भाई वीडियो है आपके पास? आपकी मेरी टिकटॉक वीडियो बहुत है अभी मोबाइल में। हाँ टिकटॉक अभी अवेलेबल है। वो ड्रामा का जो बोल रहे हैं उसका क्या? वो पड़ा हुआ है मेरे पास LCD में, पड़ा हुआ है घर पे। मोबाइल में नहीं है? नहीं USB में। अरे यार अभी होता दिखाते ना यार, कुछ तो दिखाओ ना, मैं मशहूर करूँ ना फिर। मैं आपको इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगा। अभी दिखाओ ना यार, कुछ करो ना। अभी जाना पड़ेगा घर, USB मंगानी पड़ेगी क्या आपको? भाई आर्टिस्ट है, इनका देखते हैं क्या क्या चीजें इनके पास। रात में 8 बजे आते हैं हम, इनके पास रात में आते हैं या फिर कल आते हैं, और फिर इनका सारा सामान देखते हैं। बस आप लोग दुआ करें ताकि जितने भी आर्टिस्ट हैं कुछ बन पाएं, कुछ कर पाएं और मुश्किलों से निकलें। क्योंकि देखो एक आर्टिस्ट है और पंचर का काम कर रहा है, देखो। मुझे नहीं पता किस टाइप का आर्टिस्ट है, मैंने अभी देखा नहीं है क्या काम है इनका, क्या है बता रहे हैं। आर्टिस्ट भी हूँ मतलब, थोड़ी एक करता मेरी तरह भी काम चीज़ें करते हैं, एक्टिव भी करते हैं। तो अभी देखते हैं इनकी क्या क्या चीज़ें। अभी तो कह रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, शाम में आना या कल आना, मैं आपको दिखाता हूँ, तो कल एक और वीडियो बनाएंगे। तो अभी बस हम लोग घर जा रहे हैं, पंचर का मसला हल कर रहे हैं। भाई आप लोग भी दुआ करें कि मेरा पंचर का मसला अपना आओ, मैं बहुत तंग आ गया उस चीज़ से। तो पंचर का काम करवा के घर पर आ गए, आप घर जा रहे हैं, आप देखते हैं, लग रहा है बस सही रहिए। अब पंचर ना हो, पंचर